नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे केआर। यह एक न्यूज चैनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप मकान, दुकान, होटल या फिर किसी बड़े नेता का प्रचार कराना चाहते हैं और यूट्यूब पर इसका एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। और हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा है, जिस पे आप मैसेज करके एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। दानापुर से साहिबगंज होकर चलने वाली दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस में कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी के कोच में, जिसमें शामिल रहेगा चेयर कार, एसी चेयर कार एवं अन्य जनरल क्लास में, कुछ नई सुविधाएं लैस किए गए हैं। यह कौन सी सुविधा होगी, इसका जानकारी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ले लें, ताकि इस ट्रेन पर परिचालन करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी, जिसका लाभ आप उठा सकें, वो आपको मिल सके। तो चलिए यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट शुरू करते हैं। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार के सीटें की स्थिति जर्जर और खराब है। ऐसे कोच सिर्फ नाम का रह गए हैं। यात्री किसी तरह बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। किराया एसी का लिया जा रहा है, पर सुविधा जनरल जैसी मिल रही है। रेलवे की इस व्यवस्था से यात्रियों में काफी आक्रोश है और इंटरसिटी के चेयर कार की सीटें में लगी आधे से ज्यादा ट्री ट्रे टूटी हुई है। उसके अलावा कईयों का लॉक खराब है और कुछ टूटे ट्रे और तार से बांधकर काम चलाया जा रहा है। रेलवे की इस व्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन एसी चेयर कार में सीट के पीछे टी ट्रे लगा रहता है और इस ट्रे पर सफर के दौरान यात्री चाय से लेकर मोबाइल फोन रखते हैं। इसके अलावा सीट के आगे ट्रे खोलकर खान पान भी करते हैं, लेकिन इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में 71 सीट में से 30 से ज्यादा सीटें में ट्रे गायब हैं। किसी सीट के पास ट्रे है तो उसका लॉक काम नहीं कर रहा, लेकिन अब इसकी शिकायत दूर हो गई है, क्योंकि भागलपुर रेल मंडल के DRM ने इस ट्रेन पर नए सुविधाओं से मुहैया कराने को अनुमति दे दी है। यानी कि दानापुर, जो कि भागलपुर के रास्ते साहिबगंज तक सफर करती है, इस ट्रेन में आपको इस साल से नए सुविधाएं देखने को मिलेगी। नए तरह के कोच, नए तरह के सीट एवं नए तरह के बर्थ देखने को आपको इस ट्रेन में मिलेगी। इस ट्रेन में आपको एसी चेयर कार में सफर करना अब आरामदायक फील होगा, क्योंकि इसके लिए नई सुविधाएं बहाल कर दी गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के अंतिम महीने तक इस ट्रेन के सभी कोच को बदलकर नए सिरे से लगाया जाएगा। क्योंकि यात्रियों की शिकायत के बाद रेलवे ने सबसे बड़ा यह फैसला लिया है, जो कि इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। हालांकि दानापुर साहिबगंज के बीच सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन यही है, जिस पर लोग अमूमन सफर करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही आपको यह सुविधा देखने को इस ट्रेन में मिलेगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।